अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा न्यूज़। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ अरशद महमूद की। सिविलियन एम्प्लॉज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सवा गार्डन के इंतखाबात शुरू। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू है। जी अरशद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पे सवा गार्डन सोसाइटी के इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। वोटर्स और सपोर्टर्स की यहाँ पे बड़ी तादाद मौजूद है। इंतज़ामिया की जानब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे जो यहाँ पे लोग आए हैं वोट डालने के लिए, उनसे भी बात करेंगे, उनके व्यूज़ लेंगे और जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे जब हम लोगों से व्यूज़ ले रहे थे तो इसी दौरान हमें सवा गार्डन की सियासी समाजी शख्सियत सरदार ताहिर भी नज़र आ गए। इनसे जानते हैं कि किस पैनल के साथ हैं और किसको वोट कर रहे हैं। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शहीन रैशी पैनल के साथ हूँ, शुरू से साथ हैं और इंशाल्लाह ताला जब बॉक्स। ऐसी खास बात जो शहीन रैशी पैनल में आप समझते हैं जो दूसरे ग्रुप में वो क्वालिटी नहीं है, वो आपको पता है। बाकी जितने पैनल हैं सबके ऊपर करप्शन का केस है। आप बताएं इसके ऊपर कोई केस हो, सबके ऊपर इशू है। रात के ऊपर इशू है, गोंदल के ऊपर इशू है, यासर मेदी के ऊपर, सबके ऊपर इशू है। लेकिन ये वाहिद पैनल है जिसके ऊपर कोई इशू नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसने ये करप्शन की। जीत के लिए पुरअज़म है आप? इंशाल्लाह ताला जी, आप देखेंगे जब बॉक्सेस खुलेंगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, शहीन रैशल पैनल के पूरे प्लेटफॉर्म के सबके ऊपर उसके ऊपर ठप्पे हों। जी ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समा न्यूज़ के साथ।